हेलो। हाँ, विकास जी से बात हो रही है क्या? जी जी विकास जी बोल रहे हैं, बोलिए सर। हरिनान बोल रहे हैं जी। नमस्कार सर। हाँ कहिए ना, क्या समाचार है? नमस्कार। आपको हम देखे हैं कि टेलीग्राम पे आप डाले हैं कि आपका जो है ना तीसरा किस्त आया है, तो इसी के अनुसार जो है ना थोड़ा आप बताइएगा, समझे? ये वीडियो आपको अपलोड होगा यूट्यूब पर, समझे? ये ऑडियो थोड़ा जो है ना, हाँ कुछ जानकारी है थोड़ा दे दीजिएगा, ताकि जो है आने वाला जो आप सेशन आपका जो है 2021-22 है। जी जी 21-22 है। हाँ 21-22 है, तो आने वाला जो लाभार्थी है उसका कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो ये मेरा ये कहना है कि आप अपना जिला बताइएगा। जिला सारण होगा। अच्छा सारण है। प्रोजेक्ट आपका क्या था? ट्रेड IT बिजनेस। IT बिजनेस है। जो तीसरा केस आपका जो मिला है ना, तो अभी जो आया है उद्यम रजिस्ट्रेशन आया, तो अपलोड किए हैं आप? अपलोड तो हमको 10 डे के आसपास किए थे हम अपलोड। अच्छा अच्छा। और ये तीन किस्त में जो दिया जाना है, तो आप जो है सेट पर कितना खर्चा किए थे, और मशीन पर और कच्चा माल, थोड़ा बताइएगा सेट पर आप कितना खर्चा किए थे? सेट बनाए हैं कि बना हुआ था? सेट बनाए थे। अच्छा, सेट पर कितना लगभग समथिंग खर्चा किया? लगभग लगभग 2-2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख के 2,60,000 ऐसा ही होगा। अच्छा, से 2 से 2.5 लाख जी। बाकी आप मशीन पर कितना खर्चा किए? मशीन तो फिलहाल सर हम लिए हैं, मोटा मोटी आपका हो जाएगा 5-25 के आसपास हो जाएगा। 5-25 हो गया। आप बाकी आपका जो है ना ये जो 2 लाख है, तो इसको क्या चीज में खर्चा कीजिएगा? इसका अब कुछ उसमें का और पार्ट्स वगैरह मंगाना है। ठीक है। आपका कितना बार वेरिफिकेशन हुआ है? आप लोग सेशन वगैरह कैसे बैठे? दो बार हुआ है जी। तो पहली बार आए सर, तो उसको देख करके बताए कि आप इसका अच्छा से सेटअप कीजिए। अच्छा, सेटअप के बताने के अनुसार मैंने सेटअप किया। सेटअप करने के बाद फिर हम DIC ऑफिस गए। अच्छा। वहाँ से सर से अपना बिल जो था वो सबमिट किए, सर आए फोटो खींचे, फोटो खींच लोकेशन के साथ फोटो खींचे, फिर हम फोटो जमा किए। अच्छा। DIC जाकर इसके बाद हम 11 तारीख को हम अपना फॉर्म अपलोड किए थे। अच्छा। वहाँ पे जाके जमा किए थे 11 तारीख को, 11 जून को। अच्छा। अभी मेरा ये आया तीसरा किस्त आया है। जी जी। तो ये जो दूसरा बार जो आपका कब हुआ था वेरिफिकेशन? दूसरा बार जैसे कि मान लेते हैं दूसरा किस्त मिलने के बाद, अपलोड करने के बाद, उपयोगिता प्रमाण पत्र होता है, अपलोड करने के बाद, अपलोड करने से पहले आपको वेरिफिकेशन हुआ है? नहीं नहीं, अपलोड कर दिए थे उसके बाद वेरिफिकेशन हो गया ना। जब दूसरा किस्त जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे तो कैसे वेरिफिकेशन? हम खर्च कर लिए, अपलोड कर लिए, 31 तारीख को, 31 मई तक लास्ट डेट था। 31 तारीख लास्ट दिन। हाँ, इसमें भी विकास जी क्या बहुत लड़का पूछ रहा था कि सेशन जो है 2021 वाला का जो है ना तीसरा किस्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम सबको कह रहे मिलेगा भाई। देखिए क्या है कि 2018-19 और 20 वाला तक, 20 तक जिसका है ना उसका नहीं होगा, लेकिन 21 वाला का तो मिलवे करेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो बोले थे कि लगभग लगभग समय लगेगा, कम से कम 2 महीना तक समय लगेगा। नहीं नहीं, इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। एक महीना 4 दिन में मेरा पेमेंट आ गया है तीसरा। इसको अपना हिसाब से खर्च करके अब अपना फिर से तीसरा केस भी आपको अपलोड करना है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन दिया है ना। तो तीसरा केस लोग सोचता है कि तीसरा केस मेरा मिल गया तो हम क्यों अपलोड करेंगे? ऐसा बात नहीं है, उसको अपलोड करना है, उसको भी अपलोड करना है। तो जो आपका कौन सा प्रोजेक्ट है बिजनेस के नाम? IT बिजनेस था। IT बिजनेस में आपको जो है ना ऑनलाइन कीजिएगा कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग करना है? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, उसमें हमको सर्विस देना है। सर्विस देना है कस्टमर को। अच्छा अच्छा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भी होगा उसको हमको सर्विस देना है। ओ वही ना। लेकिन ऑनलाइन जो करता है वो CSE वाला, वो इसमें कैप्चर नहीं होता है IT बिजनेस में? नहीं, वो नहीं होता है। वही ना, वो नहीं होता है। सर्विस देना है, वेब डिजाइनिंग करके है ये सब। हाँ, वो सही। विकास जी जो सेशन आपका जो 2021-22 वाला है, तो इधर का जो 22-23 वाला के साथ आपका ट्रेनिंग हुआ है कि पहले ही हुआ था? नहीं नहीं, हमारा तो पहले ही हुआ था। कुछ लोग जो है ना 21 वाला में पीछा था ना, तो उसको 22 वाला के साथ भी ट्रेनिंग लिया है, ऐसा भी हमको पता हुआ है।
ना ना, हम लोग का 21-22 में ट्रेनिंग हुआ है। अच्छा, इसीलिए तो अभी इतना देखिए, अब नया वाला जो आता है तो कहता है कितना जल्दी हो जाएगा भाई, इसमें जो है ना तकरीबन साल डेढ़ साल लगता है इसमें पूरा प्रोसेस होने में। हाँ हाँ, बात सही है। मैसेज मैं करता रहता है, वही लगे हम तो अजीत जो होकर कहते भाई आप लोग अपने में डिस्कस कीजिए ना, ग्रुप बना है तो पर्सनली अब सब कहिए कि हमरे रिप्लाई देने के लिए संभव नहीं हो पाता है। और भी हाँ, अब इतना लोग है तो ये मान लेते हैं कि दूसरा जगह पूछना जाइएगा, ग्रुप है तो एक न एक आदमी जो है आपको रिप्लाई देगा तो हो गया उसमें। पर्सनली कहता है ग्रुप एडमिन ही दे तो इतना समय किसके पास है भाई, इतना समय किसके पास है। वही ना, जिसको अगर मान लेते हैं उसमें टाइम मिलता है तो भला आदमी जहाँ तक होता है ग्रुप में कोऑपरेट करता है, रिप्लाई सब कम देखते हैं, हर किसी को देवे करता है। जी जी, बात सही है। अरे कितना का रिप्लाई दीजिएगा, मैसेज का इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, उसके बाद उसमें भी लोग बहुत तरह से अड़चन पूछता है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ये इतना कब चला मान लेते हैं कि वीडियो आपका जो पड़ता है एक एक अपडेट हम देते हैं, ताकि आप इसमें कि इसके लिए जो है ना आप DIC द्वारा का DIC जाइएगा, DIC वाला रिस्पॉन्स नहीं लेता है। हम लोग पूरा कंसल्ट करके इतना कराते हैं, फिर भी जो है ना कुछ लोग क्या कहें इसमें। आपके सर BST ऑल टिप्स हम शुरू से है उसमें। वाह वाह, देखते हैं। पहले आपका जो है ना विकास नाम का जो है ना अभी भी आता था, कमेंट आता था, वाला सब का हम बहुत काम पहचानते हैं। और का जी जी जी, नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।